हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। एंड छुट्टियों से पहले जो आपकी टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे, दैट वाज दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना को हम स्टडी कर रहे थे, इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को स्टडी भी किया। इसकी हिस्ट्री को हमने देखा था, हिस्ट्री को देखने के बाद हमने चाइना की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको हमने देखा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जब आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो या अंडरस्टैंड करते हो, तो उसमें उस कंट्री का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, या जिसे हम इन अदर वर्ड्स आप ये कह लो जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, ये जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है उस कंट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग योर फॉरेन पॉलिसी। नो डाउट वेदर वो फॉरेन पॉलिसी आपकी एक्सटर्नल लेवल पे हो या इंटरनल लेवल पे हो, पॉलिसीज आपको जो है वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि आपने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। तो आज हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना को फर्दर जो है इसको हम जो है वो प्रोसीड करेंगे और इसमें देखेंगे कि आज जो है हमारे पास इस टॉपिक में कौन सा जो है वो थीम इस वक्त हम जो है उसको जो है हम वी आर गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइनाज़ फॉरेन पॉलिसी। देखिए, किसी भी मुल्क के लिए जो फॉरेन पॉलिसी वो बैकबोन जो है उसका रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसी तरह चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी को बहुत बैकअप करते हैं और इसको जो है बूस्टअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एंड स्टिल इज गोइंग ऑन। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। चाइना ने हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत फोकस किया है। ये हम सबको पता है कि चाइना ने जो है डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिस तरह चाइना ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से एक इंस्टीट्यूट बनाया जो कि एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, जो एक बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट द IMF जो है उसके सामने लाकर खड़ा किया गया। और IMF क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करता है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि उस पर जो है इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसी वजह से जो है अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी क्रिएशन हो चुकी है और यही वजह है कि चाइना जो है इसी के थ्रू पर जो है बहुत सी जो है वो अपने जो मकासद हैं, जो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको गेन करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। सेकेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, जब कोई भी मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्योंकि आप अगर आपकी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है, आपकी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टेबल नहीं है किसी मुल्क की, तो वो उसका असर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपने फॉरेन पॉलिसी जो है किस वक्त कौन सी फॉरेन पॉलिसी को जो है उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको बनाना है, और उसकी फॉर्मुलेशन के बाद जो है उसको आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आपको नहीं पता, यहाँ पर अगर आपका फेलियर आता है, अगर आप कोई गैप आता है, तो डेफिनेटली आपके जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमी है मुल्क की, वो इफ़ेक्ट होती है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह हम देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है। एक गवर्नमेंट आपके पास आई, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी, PMLN, देन अभी रिसेंटली आपके पास जो है वो इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी आई, PTI, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो कोशिश करती है कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त ही हो सकता है जब आपकी पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। हमने देखा फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना होने की वजह से आप देखिए कि जब पॉलिटिक्स zigzag चलेगी तो अल्टीमेटली आपके जो डिसीजंस हैं उसमें जो है गैप्स आएंगे, उसमें फेलियर आएगा, ठीक है। मींस के पॉलिटिकल जो फेलियर्स हैं उसमें जब वो फेलियर जो है वो गैप क्रिएट करेंगे, तो वो गैप अल्टीमेटली जो है उसका जो असर है वो सारा आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर पड़ेगा, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो चाइना ने जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को कवर अप किया है कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत स्टेबल हैं,
इसी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चाइना बहुत आगे है इस वक्त, ठीक है। हमने रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो आप ये समझ लीजिए कि इज वन ऑफ द पावर, इकोनॉमिक पावर है चाइना इस पूरे रीजन में, और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी इकॉनमी स्टेबल है, उनकी जो पॉलिटिकल जो 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 उनके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो स्टेबल है, इसी वजह से उनकी जो डिसीजंस हैं राइट टाइम राइट डिसीजन वो लोग इस वक्त टेक ऑन कर रहे हैं। ओके, ये दो जनरल प्रिंसिपल्स हैं और इसमें चाइना काफ़ी हद तक कामयाब रहा है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप सीपैक देख लें, एक ये बहुत रिसेंट और बहुत एक्टिव एग्जांपल है ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देन पॉलिसी ऑफ रिफॉर्म है, ठीक है, इनको क्योंकि ये अब रिफॉर्म आपको चाहिए होते हैं, विदाउट द रिफॉर्म्स या आप ये कह लें कि अमेंडमेंट्स, आप कोई भी मुल्क जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वक्त के साथ साथ पॉलिसी चेंज होती है, वक्त के साथ साथ जो है वो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं, आपके इंटरेस्ट बदलता है, इसी वजह से ये सारे इम्पैक्ट्स को जब हम देखते हैं तो ये सारा जो है बिकॉज ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी, तो ये इम्पैक्ट आता है फॉरेन पॉलिसी पर, फॉरेन पॉलिसी को जो है इसको आप चेंज करते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल चाइना ने इसको जो है सीरियसली लिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस वहाँ पर भी चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बेसिकली चाइना ने वो इंस्टीट्यूशंस देखे जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपने मुल्क को जो है वो बेनिफिट दे सकता है, यही चाइना ने किया और इस वक्त कर रहा है। देन आपके पास एक पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस 2003 में, और बेसिकली इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स, चाइना ने एक फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था 2003 में, दैट वाज द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस, ठीक। चाइना ने कहा कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरनेशनल जो लेवल है वहाँ उसमें हम पीस चाहते हैं, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है हम चाहते हैं कि अमन रहे, ठीक है, हम वॉर की बात नहीं करेंगे, हम पीस की बात करते हैं। तो इसीलिए 2003 में चाइना ने जो है वो इस पॉलिसी को चाइना जो है सामने लेकर आया और उसने इसको फाइनली जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर नॉन इंटरफेरेंस इन दी इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन दी इंटरनल अफेयर्स मीन्स के देखिए चाइना जो है जब ये फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की चाइना ने अपनी, तो उनका एक जनरल प्रिंसिपल ये भी था कि हम जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम किसी मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। और आप ये देखिए कि चाइना ने इस ये जो नॉन इंटरफेरेंस है इन इंटरनल अफेयर्स, आपने देखे कि चाइना किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश में एक बाज़ार है दैट इज़ दी कॉक्स बाज़ार, ठीक। अब वो कॉक्स बाज़ार जो है वो क्या है, बेसिकली एक टूरिस्ट पॉइंट है, राइट। और उस टूरिस्ट पॉइंट को मतलब वहाँ पर चाइना ने जो है बहुत इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इसीलिए की ताकि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं जो जो रिलेशन वो बैलेंस रहे, और ऑन बिहाफ ऑफ दिस पॉलिसी चाइना जो है अपने जो इंटरेस्ट है उसको गेन करे, ठीक है। इसके साथ आप देखिए कि श्रीलंका में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये क्यों होता है कि नॉन इंटरफेयर नहीं करना, आपने जो है एक ताल्लुकात को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है, ठीक है। देन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, राइट, पीस की बात की जाती है कि आप जो है कोशिश करें कि एक म्यूचुअल जो आपके जो रिलेशंस हैं उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशंस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ को जो है प्रमोशन इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है एक दो मुल्कों के दरमियान, ठीक है, एक को एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, देन फॉर देट आप पीसफुली चला जाए, पीसफुली लेकर चले, ठीक है, ना कि आप जो है वो ज़्यादा इसको जो है कोई ऐसी पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट कर दें कि जिससे आपके मुल्क को भी नुकसान हो और जो आपका ओपोनेंट है उसको भी नुकसान हो, ठीक है। तो ये आज थोड़े से इसके प्रिंसिपल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के थे, इसके बाद हम इसको फर्दर भी अपने टॉपिक को लेकर चलेंगे, लेकिन जो है अभी हम हिस्ट्री को भी देखेंगे कि जो है वो हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिफरेंट एराज में क्या रही है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, और हम ये भी देखेंगे कि इसके अलावा डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसकी
कैसे ताल्लुकात रहे हैं चाइना की इन कंट्रीज़ के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपसे मीटिंग होगी तो इसमें हम फर्दर इसको जो है आगे लेकर चलेंगे अपने टॉपिक को। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में एंड एज वेल एज ऑन द गूगल क्लासरूम। सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।